Hi guys, welcome or welcome back to my channel, and if you're new, please consider subscribing before you exit this video. That being said, let's just dive right into it. मैं मार्वल की यहाँ पे सारी मूवीज को एक्सप्लेन कर रही हूँ, उसका लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में दे दूंगी। और आज की मूवी हमारी होने वाली है 2014 में आई हुई एक्शन मूवी कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर। ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार और अमेजोन प्राइम वीडियो दोनों पे देखने को मिल जाएगी। हमारी यहाँ पे मूवी की शुरुआत होती है और हमको दिखाया जाता है टाइम लाइन के अकॉर्डिंग की ये वाली जो मूवी है ये 2 साल आगे का दिखाया जा रहा है, जब न्यूयॉर्क वाला बैटल हो चुका है। यहाँ पे हमको स्टीव रॉजर्स को दिखाया जाता है जो वॉशिंगटन डीसी में काम कर रहा है निक फ्यूरी के अंडर शील्ड में। अब वो धीरे धीरे अपने आप को टाइम लैप्स जो उसका हुआ है उससे भी अपने आप को एक्विंटेंस बना रहा है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि नताशा को और स्टीव रॉजर्स को भेजा जाता है शील्ड का जो काउंटर टेररिज्म वाला पार्ट होता है, उनका जो स्ट्राइक टीम है जिसको लीड कर रहा होता है एक एजेंट जिसका नाम होता है रिमलो, उसके पास, क्योंकि यहाँ पे उनको फ्री होता है हॉस्टेजेस को जो यहाँ पे शील्ड के एक वेसल पे होते हैं, जिनको यहाँ पे जॉर्ज नाम के एक आदमी ने पकड़ा हुआ होता है अपने लोगों के साथ। मिशन के बीचों बीच यहाँ पे रॉजर्स को मालूम चलता है कि नताशा का यहाँ पे सिर्फ उनको हॉस्टेजेस को फ्री करने का मिशन नहीं होता, साथ ही साथ उसका यहाँ पे आने के पीछे एक और वजह होती है। वो वजह ये होती है कि उसको वहाँ पे इसलिए भी भेजा गया होता है कि शिप के यहाँ पे जो कंप्यूटर्स होते हैं उनमें से डाटा उसको एक्सट्रैक्ट करना होता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि स्टीव रॉजर्स वापस आता है शील्ड जो हेडक्वार्टर्स है वहाँ पे निक फ्यूरी से बात करने के लिए, और यहाँ पे निक फ्यूरी उसको जाके प्रोजेक्ट इनसाइट जो है उसके बारे में उसको ब्रीफ करता है। यहाँ पे निक फ्यूरी उसको बताता है कि 3 हेल कैरियर्स जो हैं उन्हें लिंक करा गया है स्पाई सैटेलाइट्स के साथ, और उनको ऐसे डिजाइन करा गया है कि पहले से ही जो थ्रेट्स हैं उन्हें इलिमिनेट कर दिया जाए। यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो जाती है कि नताशा जो यहाँ डाटा लेकर आई होती है शिप से उसको वो डिक्रिप्ट नहीं कर पाता है, और इसी चीज के होने की वजह से निक फ्यूरी यहाँ पे थोड़ा सा सस्पिशियस हो जाता है इनसाइट को लेके। और जो यहाँ पे सीनियर शील्ड ऑफिशियल होता है अलेक्जेंडर पियर्स उसके पास जाता है और उसको पूछता है कि क्या वो उस प्रोजेक्ट को जिसपे वो लोग काम कर रहे हैं उसको थोड़े टाइम के लिए डिले कर दिया जा सकता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि निक फ्यूरी यहाँ पे मरिया के साथ जा रहा होता है कि उनको रास्ते में उनकी कार पे अटैक हो जाता है एक मिस्टीरियस असासिन के द्वारा जिसका नाम होता है यहाँ पे विंटर सोल्जर। निक फ्यूरी वहाँ से एस्केप करता है और रॉजर्स के अपार्टमेंट में पहुँचता है, और वहाँ जाके वो रॉजर को यहाँ पे बताता है कि जो शील्ड का यहाँ पे चीजें हैं वो सारी चीज कॉम्प्रोमाइज हो चुकी हैं। जिसके बाद वो यहाँ पे रॉजर को एक फ्लैश ड्राइव देता है जिसके अंदर बहुत सारे शिप से रिलेटेड डाटाज होते हैं, मगर वहाँ पे विंटर सोल्जर आता है और निक फ्यूरी को मार डालता है। जिसके बाद देख के लग रहा है कि सर्जरी हुई है और सर्जरी में मर ही गया है वो, और जो हिल होती है वो जाती है और उसकी जो बॉडी होती है उसको रिकवर करती है। जिसके बाद अगला दिन दिखाया जाता है और पियर्स यहाँ पे समन करता है रॉजर्स को ट्रिस्केलियन में आने के लिए, और जब यहाँ पे रॉजर्स जो फ्यूरी ने उसको चीजें बताई है उसके बारे में उसको नहीं बताता, तो यहाँ पे पियर्स जो होता है वो उल्टा स्टीव रॉजर्स को फ्यूजिटिव बना देता है। यहाँ पे स्ट्राइक के जो लोग होते हैं वो पीछे पड़ जाते हैं स्टीव रॉजर्स के, और उनसे किसी तरह वो बचाता है अपने आप को और मिलता है वो नताशा से। दोनों मिलके जो डाटा था फ्लैश ड्राइव के अंदर उसको देखते हैं और उन्हें मालूम चलता है एक सीक्रेट शील्ड के बेस के बारे में जो न्यू जर्सी में होता है। और जब वो लोग वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पे एक सुपर कंप्यूटर होता है उसको वो चालू कर देते हैं, जिसके अंदर देख के लग रहा है कि एक प्रिजर्व किया हुआ कॉन्शियसनेस है आर्यम जोला का। यहाँ पे जो कॉन्शियसनेस होती है जोला की वो बताती है कि जब से शील्ड को बनाया गया है बेसिकली वर्ल्ड वॉर 2 के बाद तब से हाइड्रा के लोग अंदर शील्ड के छुप के काम कर रहे हैं, और दोनों पर अटैक हो जाता है उस बंकर पे और दोनों किसी तरह से बचाते हैं अपने आप को, और ये लोग रियलाइज करते हैं कि पियर्स ही है शायद जो हाइड्रा का एक लीडर है जो विद इन शील्ड काम कर रहा है। जिसके बाद रॉजर्स और नताशा जाते हैं मदद मांगने के लिए एक फॉर्मर USAF पैरा रेस्क्यू मैन जिसका नाम होता है सैम विल्सन उसके पास, जहाँ पे मालूम चलता है कि रॉजर्स ने उससे दोस्ती करी थी और उसका जो पावर्ड फैल्कन था विंग पैक उसको उसने अक्वायर करा था। अब यहाँ पे मालूम चलता है उन्हें कि शील्ड का एक एजेंट है जैस्पर, वो एक्चुअली में हाइड्रा का मूल है। वो उसको किसी तरह से कॉर्नर करके उससे बुलवाते हैं कि जोला जो था उसने यहाँ पे डेवलप करा था एक डाटा माइनिंग एल्गोरिथम को जो यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते थे उन लोगों को जो आगे चल के फ्यूचर में थ्रेट बन सकते हैं हाइड्रा के जो ऑलरेडी प्लान्स हैं उन पे। उनको यहाँ पे ये भी मालूम चलता है कि इनसाइट का यहाँ पे जो हेली कैरियर्स हैं वो धीरे धीरे करके ग्लोब के अक्रॉस स्वीप करने वाले हैं उन सैटेलाइट्स का यूज करके, और धीरे धीरे वो जो इंडिविजुअल्स हैं जो थ्रेट्स बन रहे हैं उन्हें वो इलिमिनेट करते जाएंगे। अब यहाँ पे रॉजर नताशा और सैम विल्सन एक गाड़ी में होते हैं जब उनकी गाड़ी पे अटैक हो जाता है, और ये अटैक विंटर सोल्जर करता है, और अटैक के दौरान विंटर सोल्जर यहाँ पे सिटविल को मार डालता है। यहाँ पे जब लड़ाई हो रही होती है तो स्टीव रॉजर्स रिकॉग्नाइज
कर लेता है विंटर सोल्जर को कि वो उसका पुराना दोस्त बकी बार्न्स है। बकी बार्न्स वही इंसान होता है जिसको पकड़ लिया जाता है और उस पे एक्सपेरिमेंट होते हैं वर्ल्ड वॉर टू के दौरान। हिल यहाँ पे किसी तरह से मैनेज करती है कि तीनों को वहाँ से निकाले वो किसी तरह से और एक सेफ हाउस में लेके जाती है, और उन्हें वहाँ मालूम चलता है कि निक फ्यूरी मरा नहीं है, वो जिंदा है और उसने अपना डेथ यहाँ पे फेक करा था और उनका वो इंतजार कर रहा है वहाँ आने का, और उसने यहाँ पे प्लान्स बनाए हुए हैं आगे क्या क्या करना है उन सब चीजों को लेके। यहाँ पे फ्यूरी का प्लान होता है कि जो हेलो कैरियर्स हैं उनको वो सैबोटेज करने वाला है उनका जो कंट्रोलर है उससे उसे रिप्लेस करके। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वर्ल्ड के सिक्योरिटी काउंसिल के जो मेंबर्स हैं वो आते हैं हेलो कैरियर्स के यहाँ पे लॉन्चिंग में, और यहाँ पे रॉजर्स जाता है और माइक पे जो हाइड्रा का प्लान होता है उसे ब्रॉडकास्ट कर देता है सबके सामने। हमें यहाँ ये भी मालूम चलता है कि नताशा ने अपने आप को डिस्गाइज करा था एक काउंसिल मेंबर के तरह और वो यहाँ पे डिसआर्म कर देती है पियर्स को। और तभी वहाँ पे निक फ्यूरी भी आता है और फोर्स करता है पियर्स को कि वो अनलॉक करे शील्ड के डाटाबेस को, जिससे कि नताशा यहाँ पे लीक कर सके जो क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन है उनको, जिससे कि दुनिया के सामने हाइड्रा का जो यहाँ इंटेंशन है वो सब सामने आ जाए। जिसके बाद यहाँ पे दोबारा से लड़ाई होती है और उसके एंड रिजल्ट में ये होता है कि निक फ्यूरी यहाँ पे पियर्स को मार डालता है। तब तक पैरेलली हमें दिखाया जाता है कि स्टीव रॉजर्स और सैम विल्सन यहाँ पे एक हेली कैरियर के अंदर आते हैं और वहाँ पे जो कंट्रोलर चिप्स होते हैं उन्हें रिप्लेस करने लगते हैं, मगर यहाँ पे विंटर सोल्जर आ जाता है, विल्सन के सूट को डिस्ट्रॉय कर देता है और स्टीव रॉजर से लड़ने लगता है। रॉजर यहाँ पे किसी तरह से उससे अपने आप को छुड़ाता है और रिप्लेस कर देता है जो फाइनल थर्ड चिप है उसको, जिससे कि यहाँ पे मरिया हिल जो है वो कंट्रोल ले सके हेलो कैरियर्स की और आपस में उन्हें एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करने का प्रोटोकॉल वो पास कर सके। यहाँ पे स्टीव रॉजर नहीं चाह रहा होता है कि वो विंटर सोल्जर से लड़ाई करे, क्योंकि उसका यहाँ अटेम्प्ट होता है कि वो किसी तरह से अपने फ्रेंड का अब जो डाइट कॉन्शियसनेस है उसमें किसी तरह से वो शायद टैप इन कर पाए। मगर जैसे ही वो जो शिप होती है वो ट्रिस्कैलियन से कोलाइड करती है, वैसे ही रॉजर तो नीचे जाके रिवर में गिर जाता है और विंटर सोल्जर यहाँ पर आके अब बेहोश पड़े हुए रॉजर्स को किसी तरह से रेस्क्यू करता है और उसके बाद वो जंगल में कहीं जाके गायब हो जाता है। अब यहाँ पे शील्ड को देख के लग रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ बहुत ज्यादा हो गई है, उनका इंटरनली ही बहुत ज्यादा डिसरे में है वो लोग। तो यहाँ नताशा आती है सामने सेनेट सब कमेटी के सामने और फ्यूरी भी होता है उसके साथ, जो उसका अपेरेंट डेथ हुआ था उससे वो बाहर आता है और निकल जाता है ईस्टर्न यूरोप के तरफ, जिससे कि जो हाइड्रा के यहाँ पे बचे हुए सेल्स हैं उन पे वो जाके देख सके कि क्या चल रहा है। साथ साथ हम यहाँ पे रॉजर और विल्सन को भी देख पाते हैं कि वो दोनों डिसाइड किए हैं विंटर सोल्जर को ढूंढने का, और हमें आखिरी में रमलो को भी दिखाया जाता है और मालूम चलता है कि वो डबल एजेंट था हाइड्रा के लिए भी। अब वो हॉस्पिटल में है ट्रिस्कैलियन के डिस्ट्रक्शन के बीचों बीच, वो इतना ज्यादा इंजर्ड हो गया था इस वजह से। अब यहाँ पे मिड क्रेडिट सीन की भी बात कर लेते हैं, तो हमको यहाँ पे बैरन वुल्फगैंग को दिखाया जाता है जो हाइड्रा लैब के अंदर है और वो यहाँ पे प्रोक्लेम करता है कि जो एज ऑफ मिरेकल्स है वो शुरू हो चुके हैं। और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे साइंटिस्ट लोग जो हैं वो एग्जामिन कर रहे होते हैं एक एनर्जी से भरा हुआ सेप्टर, और वहाँ पे दो और प्रिजनर्स को हम देख पाते हैं जिनमें से एक के पास सुपर ह्यूमन स्पीड होती है और दूसरे के पास टेलीकिनेटिक पावर होती है। हमें यहाँ पे एंड क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि विंटर सोल्जर विजिट करता है बकी मेमोरियल और मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको इस मूवी का रिकैप पसंद आया हो देन डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।